आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयानों के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली से पलायन कर लिया है। और इसके पीछे की वजह ये है कि बीते कई दिनों से नवीन जिंदल और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इन्हीं धमकियों के चलते नवीन कुमार जिंदल ने परिवार को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि जिंदल खुद दिल्ली में ही है, सिर्फ उनके परिवार ने ही दिल्ली छोड़ा है। वहीं जिंदल ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए कहा है कि मेरी और मेरे परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार की जानकारी किसी से भी साझा न करें। मेरे निवेदन करने पर भी कई लोग मेरे परिवार का पता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जिंदल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए आगे कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से मेरे परिवार की जान को खतरा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने की बात, मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फोटो अपलोड कर रहे हैं, मैंने पुराने जो किताबें लिखी हैं इस्लामिक मदरसे में नकाब या दूसरी ओर जो मैंने रिपोर्ट जर्नलिज्म के समय पे जो काम किया है वो बत उसको दिखा करके बताया जा रहा है कि मैं काफिर हूँ, इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है। मेरे परिवार की हत्या पर $1 मिलियन से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ है, बट इसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस को दी है और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी निवेदन है कि संज्ञान लें और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 जून को दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड रहे नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। भाजपा ने कहा था कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है। इसके साथ ही नुपुर शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया था।